तो यार देखो, हम सबको ना एनिमे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट अगर वो एक्शन एनिमे हो तो क्या ही बात होती है। तो यार इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ इस लिस्ट में ऐसे एनिमे जो कि एक्शन से भर भर के एकदम लथपथ हो रखे हैं। तो यार इस वीडियो को पूरी देखना, तुम लोगों को ऐसे ऐसे एनिमे बताने वाला हूँ कि हर एक एनिमे अपने अपने जॉनरा में एक से एक बढ़ के एक्शन वाला एनिमे। वैसे जॉनरा अलग नहीं, इनका सारे एक्शन ही एनिमे है, बट बहुत ही औसम एनिमे होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो सबसे पहला हमारे लिस्ट में आता है हंटर एक्स हंटर करके नाम होता है इस एनिमे का। इस एनिमे में एक स्टोरी दिखाई एक छोटे से बच्चे की जो अपने पापा जैसा हंटर बनना चाहता है। एंड काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का एनिमे है ये, जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 148 एपिसोड्स तुम्हें इसमें मिलते हैं, 9.0 की आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिल जाती है। एंड भाई काफी ही ज्यादा अमेजिंग एनिमे होता है, काफी ज्यादा मजा आ जाता है, काफी ज्यादा एक्शन मिल जाता है तुम्हें, ब्रदरहुड एक्शन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है इस एनिमे में। उस एनिमे को जरूर से चेकआउट करना भाई। अब दूसरा एनिमे आता है हमारा पैरासाइट नाम करके जो एनिमे है हमारा। तो यार इस एनिमे में एक्चुअली होता क्या है, एक बाहर का क्रिएचर होता है, मतलब दूसरे किसी प्लेनेट का, वो आ जाता है वो, और जिस भी आदमी से वो कनेक्ट होता है वो उसको कंट्रोल करने लगता है। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को वो कंट्रोल करने लगता है एंड जिसको भी वो काट लेता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जो भी बंदा इन्फेक्टेड होता है उसे या तो मार देना होता है या फिर उसे ऐसा जिंदा रहने देना होता है, और अगर वो जिंदा रहता है तो वो औरों को भी इन्फेक्टेड करता है। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को जो चूज करना होता है कि किसे मारना है किसे नहीं मारना एंड कैसे वो इन सब चीजों को रोकता है, इनके बीच में जो तुम्हें फाइट्स और एक्शन सीन्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। तो जरूर से इस एनिमे को चेकआउट करना। 8.3 आउट ऑफ 10 की तुम्हें IMDb रेटिंग मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एनिमे है जो कि हम और भी कैटेगरी में ले सकते हैं, बट यार इसमें एक्शन भी भर भर के मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट एनिमे हमारा स्पाई एक्स फैमिली है। अब ये एनिमे मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक्शन में, एक तो ये बहुत ज्यादा क्यूट एनिमे भी है, बट यार यहाँ पे हमारा एक एजेंट होता है, एक स्पाई होता है जिसे एक मिशन मिला हुआ होता है एंड उस मिशन के लिए उसे एक फेक फैमिली बनानी पड़ती है। एंड जब वो फाइट करता है तो जो फाइट के सीन्स होते हैं बहुत ही ऑसम सीन्स होते हैं। एंड यहाँ पे सबसे बढ़िया बात होती है, यहाँ पे तीन फैमिली मेम्बर्स होते हैं और तीनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं। तो ऐसे कैसा क्या चीज़ छुपा रहे होते हैं एंड कैसे होता है सारी फाइट सीन्स एक नंबर के मिलते हैं हमें, एक्शन सीन्स एक नंबर के मिलते हैं। तो इसको जरूर से चेकआउट करना, एक मिनट की भी बोर रहने में तुम्हें नहीं लगने वाली है। 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग है एंड 2022 की सबसे पॉपुलर एनिमे भी यही है। अब नेक्स्ट एनिमे है भाई डेमन स्लेयर। अब इसको तो बहुत से लोग जानते ही होंगे यार, इसके जो मेन ऑसम लेवल की ग्राफिक सीन और भाई जो एनिमेशन लेवल है भाई वो एक नंबर के हैं भाई। और भाई इसमें जो लास्ट सीजन 2 में हमें फाइट मिलती है ना, मतलब सीजन 2 में जो हमें फाइट देखने को मिलती है भाई, वो वर्ल्ड की नंबर 1 फाइट सीन्स में से एक नहीं नंबर 1 पे ही मान सकते हो तुम उसे, क्योंकि भाई एनिमेटर्स वहाँ पे अपना बजट भूल गए इस एनिमे को बनाने के लिए। तो इतना ऑसम फाइट सीन है ना भाई कि तुम बाकी सारे एनिमे को भूल जाओगे। एंड ये एनिमे जरूर से चेकआउट करना। 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है, बट मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 देना चाहिए इसे, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे। अब नेक्स्ट एनिमे हमारा आता है नारुतो एनिमे। अब देखो इस एनिमे को भाई लगभग हर कोई एनिमे फैन जानता ही होगा एंड मैं तुम्हें पता नहीं क्यों इस लिस्ट में बता रहा हूँ, बट अगर अभी भी तुम लोगों ने इसे देखा नहीं है तो जरूर से देखना। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे नंबर 5 पे मैंने इसे क्यों रखा। नंबर 5 पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि काफी लंबा एनिमे है। अगर तुम नारुतो सीजन 1 सीजन 2 ये सब पूरे देखते हो तो तुम्हें फिलर्स वगैरह मिला के 1000 से ऊपर ज्यादा एपिसोड मिलते हैं, बट अगर तुम इसे देखोगे तो वर्थ इट होने वाला है। अब अगर मैं तुम्हें स्टोरी यहाँ पे बताने से बैठूं तो पूरी एक घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर भी इसकी स्टोरी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये एनिमे जो है एक्शन सीन से भर भर के लथपथ है एंड भाई तुम्हें ऐसे एक्शन सीन्स ऐसे इमोशन सीन्स और ऐसे खतरनाक सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस एनिमे को जरूर से चेकआउट करना क्योंकि ये एनिमे नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अगर तुम इसे देखते हो तो ये वर्थ इट होने वाले हैं, 1000 एपिसोड जो है वर्थ इट होने वाले हैं। 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसे मिल जाती है IMDb पे, बट मैं बोलता हूँ इसे 10 आउट ऑफ 100 देना चाहिए बिकॉज ये मेरा फेवरेट एनिमे है। डेमन स्लेयर मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, बट ये ही मेरा फेवरेट एनिमे है एंड मुझे नहीं लगता कि ये इस एनिमे को कोई भी रिप्लेस कर पाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम देके इस एनिमे को देखा। तो जरूर से इस एनिमे को चेकआउट करना। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये सारी लिस्ट पसंद आई होगी और अगर तुमने एनिमे देखोगे तो वो भी तुम्हें जरूर से पसंद आएंगे। तो यार अगर तुम लोगों को और भी ऐसी तरह की रिकमेंडेशन चाहिए, अच्छे अच्छे एनिमेस की लिस्ट वगैरह चाहिए प्रॉपर टाइम पे, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता कि बिगिनिंग में एनिमे कौन सा देखना चाहिए तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पर मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, तो चेकआउट जरूर से करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मूवीज और सीरीज से रिलेटेड मंडे को वीडियो डालता हूँ और थर्सडे को एनिमे से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।